يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال الله تبارك وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا وقال الله تبارك وتعالى وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم <applause> وقال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों इस वक्त पांच आयतें पढ़ी गई हैं और उन पांच आयतों की रोशनी में एक बात समझनी कि हमको कोशिश करनी है इन पांच आयतों के रोशनी में क्या बात समझनी है पहले मुख्तसर मुख्तरुन आयतों का तर्जमा सुने अल्लाह ताला फरमाते हैं एमान वालो मान दीन तुम में से जो शख़्स भी दीन को छोड़कर मुर्तद हो जाना चाहे फ़सा फया तोल्लामीन अल्लाह को ताकत है कि एक नई कौम पैदा करेंगे जो तुमसे ज़्यादा अच्छे और सच्चे मुसलमान होंगे या युहदीन आमनु या मान वालो मैं यर तद तुम में से जो मुरतद हो जाए अ दीन ही अपनी दीन को छोड़ कर तो नुकसान तुम्हारा होगा मेरे दीन का कोई नुकसान नहीं क्योंकि मुझे ताकत है फ़साउफ़ या अतिल्ला कौबिन अल्लाह एक नई कौम पैदा करेगा युहिब हम जो अल्लाह से महब्बत करने वाले होंगे और अल्लाह भी उनसे महब्बत करेंगे युजाहिदून अफ़ी सबी जो अल्लाह के दीन पर जमने और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए हर कस्म की कोशिश और मेहनत करेंगे लाख किसी इंसान की मलामत पर उनको कोई परवा नहीं होगी ये एक आयत हुई दूसरी आयत में अल्लाह ताला शान फरमाते हैं ईमान वालों को महातब बनाकर व इन ततवल यस्तबद्दिल कमन कौम अगर तुम मेरे दीन से फिरना चाहते हो और तुम मेरे हुक्मों को पूरा करना नहीं चाहते तो मैं तुमको हटा करके नई कौम लाऊँगा तीसरी आयत में अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं बहुत सारे लोग चाहेंगे वद्द कसीर बहुत सारे लोगों की चाहत होगी लौ यर न नकुम मीमबादी ईमान कुम तुमको तुम्हारे ईमान से हटा दें वद्द चाहेंगे कसीर बहुत सारे लोग मिन अहरिल किताब लौ यर न कोम बाद ईमान कुम तुमको तुम्हारे ईमान से दूर कर दे इसलिए नहीं कि तुम्हारा ईमान कोई गलत चीज़ है इसलिए कि उनका उनको तुम्हारा ईमान बर्दाश्त नहीं है हसद हैसेन पांचवी आयत में अल्लाह ताला तान साथ फरमाते हैं तुमको जो नमतें मिली हैं वो सारी मेरी दी हुई हैं और नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत नमत ईमान है तो छठी आयत में अल्लाह ताला ताहान जो पढ़ी गई इरशाद फरमाते हैं यमुन्नू न का असलमू बहुत सारे लोग शायद मिन्नत एहसान आप पर रखे हुए हैं कि उन्होंने ईमान कबूल किया ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब मदीना मुनवरा में एक बड़े कबीले के मंतखब अफराद पहुँचे थे उस कबीले को कहते हैं कबीला बनू तमीम इस कबीले के लोगों ने आकर के बहुत सारी वाक़ात उस वक्त पेश आ गए बहुत सारे सवालत हुए आ, तफसील के साथ कुरान करीम ने उन तमाम वाक़ात को बयान भी किया उन वाक़ात में से एक वाक़ा ये भी हुआ कि उनमें से किसी शख्स ने जनाब रसोकमल्म की खिदमत में यह अर्ज़ किया कि हमने आप पर एहसान रखा है हमने आपका दीन कबूल किया हमारी आप पर मिन्नत है हमारा आप पर एहसान है हमने आपका दीन कबूल किया तो इसके जवाब में अल्लाह ताली शाह ने फरमाया इनसे कहिए तुम्हारा हम पर कोई एहसान नहीं है अल्लाह का तुम पर एहसान है कि तुमको ईमान की दौलत अदा कर दी यमुनु नन्नत समझते हैं कि हमने इन पर एहसान किया ये मुझे मिन्नत आई यमुन् आलई का यह आप पर एहसान जतला रहे हैं अन असलमों के उन्होंने इस्लाम कबूल किया कुल आप कह दीजिए ला तमन्न आल इस्लामकुम मुझ पर तुम्हारी इस्लाम का कोई एहसान नहीं है बर यमुनकुम बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है अन हदाकमिल ईमान के तुमको ईमान की दौलत और ईमान की नेमत अता की गई अब इन तमाम आयतों को सामने रख करके जो बात हमें समझनी है उस बात के समझने से पहले दो हदीसें और सुन लीजिए जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वलम ने अपने ज़माने में इंसानों को दीन हक़ की दावत दी ये दावत ज़ुबानी भी थी मुलाकातों के ज़रिए भी थी और तहरीर के जरिए भी थी चुनाच अल्लाह के नबी आ सलातम ने उस ज़माने के तमाम बड़े बड़े बादशाहों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी उन बादशाहों में सबसे बड़ा या कह सकते हैं दूसरे नंबर का बादशाह उसको कहते थे हरकल व रूम का बादशाह था आप ये समझ लें कि उस वक्त दुनिया तीन हिस्सों में तकसीम हुई थी वन थर्ड तीसरा हिस्सा जो था वो ईरानियों के कब्ज़े में था उनको कहते थे सासानी सल्तनत और तीसरा हिस्सा जो है वो रूमियों के कब्ज़े में था उसको कहते थे गस्ानी सल्तनत और तीसरा हिस्सा था जो बिखरा हुआ था उसी में अरब के लोग भी थे वो कबायली ज़िंदगी गुजारते थे उनका ना कोई बादशाह होता था और न कोई सरबरा होता था न वो किसी कानून के पाबंदी वो कबायली ज़िंदगी थी उनकी जैसे अरब के लोग जो हैं वो कबायली जिंदगी गुजारते थे चलो अरब का कोई बादशाह नहीं जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अरब का कोई बादशाह नहीं था और बादशाह वह चल भी नहीं सकती थी इसलिए कि अरब कौमों का मिजाज इस अंदाज का था कि वो किसी के बादशाह कबूल नहीं कर सकते थे वो कबीले वाई ज़िंदगी गुजारते थे उसको हम इस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे हमारा वो मौजू भी नहीं है तो उस जमाने में जो आधा आधी दुनिया आधे से करीब करीब दुनिया रूमियों के कब्जे में थे हिरकल बादशाह था और उसका लकब कैसर था तो जनाब रसोक ने जब बादशाहों के नाम इस दावत इस्लाम कबूल करने के खतूत रवाना किए उन खतूत में एक खत हरकल बादशाह के नाम भी गया और उस खतन उस खत का मतन इस वक्त भी मौजूद है टेक्स्ट भी मौजूद है और वो चमड़ा भी मौजूद है जिस चमड़े पर वो खत लिखा गया था ये खत या तो इस्तंब में है तुर्की में और या फिर ताशकंद में है बहरहाल बहारी शरीफ में उसका तस्करा पूरा है पूरा वाक़ मौजूद है और वही के बयान में है जब जनाब रसुलकरम सासम का ये ख़त पहुँचा है रूम के बादशाह हिरकल के पास तो हिरल ने इस खत पर रद्द ज़ाहिर करने से पहले मुनासिब समझा कि मैं मालूम करूँगा ये ख़त भेजने वाला कौन है और वो नबी है या नहीं और नबी की अलामतें उसके अंदर हैं या नहीं उसके बारे में तफसली मालूम मिलनी चाहिए यह तफसी मालूम उसको कहाँ से मिलती उस वक्त यह रूम का बादशाह बैतुलमकद में था बतुलमकद में क्यों आया था उसकी एक अलग तारीख़ है हमें उस वक्त वो समझने का मौका नहीं है कि हरकल यानी कई सारे रूम क्यों आया हुआ था क्या यह उसका सेंट्रल मकाम था या किसी मजबूरी की वजह से वहां आया था बहरहाल जनाब रसोकम का खत पहुंचा है बैतुलमस हेरकल बादशाह के दरबार में खत पहुंचा हेरकल ने मालूम के लिए आदमी को ढूंढाया चुनाचे इत्फाक की बात यह है कि अबू सुफियान जो जनाब रसोकमलम के खतरनाक तरीन दुश्मनों में से था और उस वक्त जो हुजूर का मुखालिफ कैंप था उसका सरबरा अबू सुफियान था तो अबू सुफियान उस वक्त तिजारत के सिलसिले में बैतुलमकद आया हुआ था पूरे काफले के साथ चुनाचे बादशाह के भेजे हुए आदमियों को अबू सुफियान मिल गया और अबू सुफियान को लाया गया बादशाह के दरबार में अब बादशाह ने अबू सुफियन से सवाल शुरू किए आप कह सकते हैं पूरा इंटरव्यू शुरू हुआ और ओपन इंटरव्यू शुरू हुआ बादशाह का दरबार सजा हुआ है अबू अबूसफियान और उसके साथ ही खड़े हैं दरमियाम में ट्रांसलेटर रखा गया उसको हदीस में तर्जुमान का लफ्ज़ बोला गया है बुखारी के अल्फाज में बता रहा हूँ फ़कार तर्जुमानी उसने अपने ट्रांसलेटर से कहा कुल्लू इसे कहो मेरे पास जो ख़त आया है उस खत के बारे में मुझे तुमसे कुछ मालूम करनी है चुनाचा वो इंटरव्यू शुरू हुआ बादशाह ने तर्जुमान के ज़रिए अबू सुफियान से पूछा कि यह जो तुम्हारे इलाके में नबी पैदा हुआ है तुम उसको जानते हो उसने कहा जी हाँ अच्छी तरह से जानते इसने पूछा उसका खानदान अच्छा है उसने कहा बहुत आदिशान खानदान है इन सवाल तो ये तेरह सवाल उसने किए हैं इन तेरह सवालों में से एक सवाल उसने ये किया कि उसका दीन गरीब लोग ज़्यादा कबूल कर रहे हैं या मालदार लोग सोसाइटी के अपर क्लास उसका दीन कबूल कर रही है या सोसाइटी के निचले दर्जे के लोग कबूल कर रहे हैं अशराफुलनास अम दोफ़ा के अल्फाज हैं सोसाइटी के जो अपर क्लास है वो इसका दीन ज़्यादा कबूल कर रहे हैं या जो निचले दर्जे के लोग हैं वो कबूल कर रहे हैं तो उसने कहा जी निचले दर्जे के लोग कबूल कर रहे हैं अपर क्लास नहीं कबूल कर रही है फिर उसने ये सवाल किया अयर तद अहदुखल दीन ही जिन लोगों ने उनका दीन कबूल किया उनमें से कोई एक शख्स वापस आ गया मरतद हुआ ये सोच करके हमने समझा था दीन बहुत अच्छा है मगर दीन में दाखिल होने के बाद पता चला कि दीन अच्छा नहीं है इसलिए हमें छोड़कर वापस चला जाना चाहिए ऐसा कोई वाक़ा हुआ उसने कहा ऐसा तो कोई वाक़ नहीं हुआ या इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने दीन कबूल किया उन पर मुसीबतें आई होंगी परेशानियाँ आई होंगी उन पर जुल्म हुआ होगा तो उस परेशानी और जुल्म की वजह से क्या कोई आदमी दीन छोड़कर वापस चला गया तो उसने कहा नहीं ऐसा भी नहीं हुआ हेराकल बादशाह ने अबू सुफियान से पूछा कि इस्लाम कबूल करने वालों में से क्या कोई शख्स वापस इस्लाम छोड़कर चला गया उसने जवाब में कहा नहीं आज तक तो कोई नहीं आया इस पर हिरकल ने आगे चलकर जो तबसरे किए थे उन तबसरों में सोचने ये तबसरा किया था कि मैंने तुमसे पूछा था एयर तदहदनसुखल दिन ही क्या दीन कबूल करने के बाद कोई इंसान दीन छोड़कर वापस आ गया कुल तला तुमने कहा नहीं वह कैदालकली ईमान ईमान यही हकीकत रखता है कि जब वो अंदर रच बस जाता है फिर ये निकलता नहीं वह कदालक ईमान वदाल ईमान हीन बशाशतुल्कलूब अल ईमान जब ईमान कलूब में रच बस जाता है उसके बाद फिर ये निकलता नहीं है चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाएं, इसका मतलब ये है कि ईमान पुख्तगी के साथ जब अंदर कदम जमा लेता है उसके बाद फिर कोई ताकत इन, इस ईमान वाले को ईमान से नहीं हटा सकती है अला ये कि कोई दूसरा फैसला होने वाला हो तो अलग चीज़ है बस इस बात को भी ज़हन में रख लें इस सिलसिले में जो आखिरी हदीस सुनानी है वो हदीस सुन लें जनाब रसूल वसलम के बेशुमार कमालत और इम्तियाज़ा में से एक कमार और इम्तियाज़ ये था कि आपने क़्यामत तक पेश आने वाले हालात और वाक़ात को तफस से बयान कर दिया है किस दौर में क्या होगा और उसमें ऐसी बातें भी इर्शाद फरमाई गई हैं जो उस वक्त दूर दूर तक कहीं जहनों में नहीं आ सकती थी कि ऐसा भी होगा लेकिन उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ ऐसा होगा उसको हम किताबुल मलाहिम किताबु फितन किताब अशरात सानवाना के तहत हदीसों में पढ़ते हैं बल्कि हदीसों का एक पूरा चैप्टर ही यही है किरब क़यामत क़यामत तक पेश आने वाले क्या क्या वाक़ होंगे जिनका अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दिया है उनमें से बेशुमार वक़ात पूरे हो चुके हैं बेशुमार बेशुमाराकत होने वाले हैं अल्लाह के नबी आरोप ने अपने बारे में फरमाया मैं दुनिया सुरखत होगा अल्लाह के नबी आई साहब ने हजरत तो उमर उमरबनी खत्ताब की शहीद होने का वाक़ सुनाया अल्लाह के नबी आई सला ने हजरत हुसैन रज़ी के शहीद होने का वाक़ सुनाया अल्लाह के नबी आल साहब ने तुर्कीों के साथ जंग होने का वाक़ सुनाया गरज यह बेशुमार चीज़ें हैं जो हजू ने फरमाई और पूरी हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आज के दौर में पूरी हो रही हैं अल्लाह के नबी आलातम की कुछ बातें वो थी जो उस वक्त जहन कबूली नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कभी होगा या नहीं लेकिन चूंकि बयान करने वाले अल्लाह के नबी थे इस वजह से साहबा ने सुना मान लिया मगर ज़ाहरी हालात दूर दूर तक ऐसे नहीं थे कि यह बात पूरी हो जाती मसान मतलब अल्लाह के नबी आ साल फरमाया कि मक् मुकर्मा की इमारतें यहाँ के पहाड़ों से ऊपर हो जाएंगी उस वक्त दुनिया में कंस्ट्रक्शन का ऐसा सिस्टम कहीं नहीं था कि बिल्डिंगें इतनी ऊंची बन जाएं कि पहाड़ों से भी ऊपर हो जाएं आज सारा जमाना जानता है सारी दुनिया जानती है कि वहाँ की बिल्डिंगें वहाँ के, के पहाड़ों से ऊपर जा चुकी हैं या मसा अल्लाह के नबी आब ने फरमाया मक्के की जमीन को चीर कर पेट के अंदर से रास्ते बनाए जाएंगे तो अंडरग्राउंड रास्ते वहाँ बने हुए हैं पहले ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता था या मसा अल्लाह के नबी आल साहब ने फरमाया कि मक्का मुकरमा में सब्ज़ा उगाया जाएगा तो इस वक्त वहाँ सब्जा उग रहा है दरख्त लगाए गए हैं घास उग रही है बल्कि जब मौसम खजा में हर जगह घास सूख जाती है वहाँ उस वक्त भी घास उगाई जाती है और घास उगने के लिए जितना सिस्टम साइंसी तौर पर होना चाहिए वह सारा सिस्टम वो मुहैया रखते हैं और घास उगती है इसी तरह से अल्लाह के नबी आ ने इशा फमाया हदीस के बहुत सारी किताबों में से एक किताब का नाम है तबरानी उसमें हदीस है एक तफिर रिजाल बिर रिजाल व तकतफिन निनसा मर्द मर्दों से और औरतें औरतों के से अपनी जिनसी जरूरतें पूरी करेंगे उस वक्त पूरी दुनिया में तस्वूर नहीं किया जा सकता था मगर आज का जमाना वही है कि जिसमें सबको मालूम है सूरत हाल क्या है ये जो हुजूर ने पेशन गोईया फरमाई हैं इन गोइयों में से एक बात आपने ये भी फरमाई युस्म रजुल मुह मिन सी काफिर सुबह को आदमी मुंह होगा शाम को काफी रो चुका होगा व्यय सिर्फ रजुलना वस्म काफिर शाम को एक आदमी का मुंह होगा सुबह को काफी बन चुका होगा बस इस सिलसिले में एक आयत और सुन लें वह अल्लाह ताली शाहन फरमातेमिनम आमन ना बिल्ला वबिलयमिल आखिर दो बहुत सारे लोग ये कहते रहेंगे दावा करते रहेंगे समझते रहेंगे हम मुमिन हैं मगर उनके अंदर ईमान नहीं है इस आयत की बुनियाद पर बड़े बड़े सहाबा हमेशा फिक्रमंद रहते थे कहीं ऐसा ना हो हम समझ रहे हैं कि हम ईमान वाले अंदर ईमान नहीं होगा इन बड़े में से अगर किसी का नाम लिया जा सकता है कि के आज़म हज़रत खत्ताब मरबिन ख़त्जाल्ल्ला चुनाच वो हमेशा डर में रहते थे कि कहीं मैं मुनाफिकों में से तो नहीं हो और एक सहाबी थे हजरत हुज़ैफ़ा यमान, जिनको अल्लाह के नबी आने मुनाफिकों की पूरी फहरिश बताई थी मुनाफिक उस शफ कहते हैं जो जाहरी तौर पर समझता रहे कि मैं मुसलमान हूँ मैं ईमान वाला हूँ उसका नाम भी मुसलमान जैसा होगा रहता भी होगा मुसलमान सोसाइटी में वालदे वगैरह सा भी लेकिन अंदर से ईमान निकल चुका होगा और ईमान उसको नहीं या तो उसे अंदाज़ा होगा कि मेरा ईमान बाकी नहीं है और या फिर उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं ईमान ख़त्म हो चुका है उसको कहते हैं मुनाफे हकीकी तो हजरत मेरे अपनी ख़बा रजील्ला तुन हज़र हुज़ैफ़ा अमां रजी अल्लाह तूझते थे हुज़ैफ़ा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारी फहरिस्त मुझे सुना दो जो अल्लाह के नबी ने तुमको बताई थी मुनाफे कौन कौन है मगर मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में तो नहीं है उमर अबी खत् तु बहुत अज़ीमशान शख्सियत है इंसानी तारीख में जो चंद मुमताज़ लोग पैदा हुए पूरी इंसानी तारीख में उसमें उमर नबी खत्ता भी है हमारे उर्दू के बड़े मुसनफ़ी में से एक मुसनफ़ है उनका नाम है अल्लामा शिबली उन्होंने किताब लिखी है हजरत फारूक आजम पर उस किताब का नाम ये अलफारूक है और हुसन इत्फा किया है कि उस अल्फारूक का लास्ट पेज कश्मीर में लिखा गया यानी जब उन्होंने किताब मुकम्मल की है तो शायद वो अभी आखिरी पेज लिखने वाले थे तो कश्मीर का सफ़र उनका हुआ होगा और यहाँ कहीं उन्होंने वो आखिरी पेज लिखा है ये नहीं मालूम कहाँ लिखा है क्योंकि उसमें इतना तो लिखा है कि शिबली ब मकाम कश्मीर मगर ये नहीं लिखा है कश्मीर में किस जगह थे वो वो हाउस बोर्ड में थे या किसी होटल में थे या किसी आदमी के घर में मेहमान थे बहरहाल कहाँ लिखा है आलम आलमा शिबली ने उस लास्ट पेज में जो कश्मीर में लिखा गया वो लास्ट पेज में वो ये लिखते हैं उमर फारूक रजा की सारी सवान आपने पढ़ ली जो उन्होंने लिखी है उसके बाद वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ कि इंसानी तारीख में उमर जैसा इंसान कोई पैदा नहीं हुआ नबियों के बाद फिर वो कहते हैं दुनिया में बादशाह बेशुमार गुजरे हैं उमर फारूक के मुकाबले में एक ही बादशाह भी नहीं दुनिया में इबादत गुजार बेशुमार गुजरे हैं उमर फारूक रजा के मुकाबले में कोई इबादत गुजार नहीं दुनिया में जाहिरदेमार गुजरे हैं उमर फारूक रज के मुकाबले में जाहद कोई नहीं गरज एक एक खूबी वो सामने ला करके भी दिखाते हैं उम्र के मुकाबले में एक भी नहीं है हुक्मरानी का बाब हो साइंस का बाब हो फलसफे का हो होमत का बाब हो तदब्बर का बाब हो दूरअंदेशी के बाब हो अखलाकियात की गरज है कि जितनी चीज़ें इंसानों के अंदर पाई जा सकती हैं खूबियों की वो सारी खूबियां दिखाकर फिर कहते देखो उम्र के मुकाबले में एक भी नहीं है बस हम वो कहता दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं अब हुमरानों की पूरी लिश् वो दिखाता है फिर कहता है उम्र फारूक के मुकाबले में एक भी नहीं है और अगर उसकी तफसील समझनी हो तो यह देख लें कि उमर फारूक रजी का निज़ामी हुकूमत कैसा था इस दुनिया में उमर फारूक रजी जैसा निज़ाम हुकुमत तो उसकी किसी का भी नहीं है और ये बात मुसलमान ही नहीं वो लोग भी तस्लीम करते हैं जो मुसलमान नहीं हैं मशहूर किताब यहाँ भी बाजारों में मिलती है माइकल हार्ट की लिखी हुई सौ बड़े आदमी उसमें हजरत उमर फारूक रजी के हा, हालात उसने लिखे और कहा यह वो शख्स है कि जो गुजड़ी पहनने वाला था लेकिन अपने ज़माने के दो सुपर पावर ताकतों को फना कर दिया फारुक आ बारह उमर फारूक रजी की शख्सियत थी जिनको न जाने कितनी मरतबा अल्लाह के नबी आ सामने सामने कहा तुम जन्नती हो जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होते यह उम्र रजी अल्लाह तुम अपने बारे में इतने डर, डर डरते थे वो सोचते कह, कहा करते थे अगर क़यामत के दिन ऐलान हो गया कि सारे लोग जहन्नम में जाएंगे सिर्फ एक जन्नत में जाएगा मुझे अल्लाह की जहाज से उम्मीद है कि शायद वो मैं ही होगा लेकिन डर इतना था कहते थे कि अगर ऐलान हो गया तमाम लोग जन्नत में जाएं एक जहन्नम में जाएगा तो मुझे डर है कि कहीं मैं ही ना बुजुर्ग और दोस्त इन तमहिदी बातों को जहन में रख करके अब आगे समझें अल्लाह जल्शन ने इंसानों को अकल दी है इस अकल के बेशुमार काम हैं उन कामों में से एक काम ये भी है कि इंसान फ़ायदे की चीज़ों को समझता है उनके कदरों कीमत जहन में रखता है उनकी हिफाजत के लिए जो कुछ करना होता है वो करता है और जिन चीज़ों से उस नियामत को नुकसान होने का ख़तरा हो उन चीज़ों से अपने आप को बचाता है और हिफाजत करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करता है जो चीज़ दुनिया में जितनी ज़्यादा कीमती होती है वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा एहतियात का तका भी करती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी भी मांगती है और वो चीज़ उतनी ज़्यादा नाजुक भी होती है कीमती चीज़ नाजुक भी होगी कीमती चीज़ हिफाजत भी मांगेगी कीमती चीज़ चौका ना रहने का तरकी दे दी और इंसान की अकल यही कहती है कि जो चीज़ इंसान के बदन में सारे आज़ा हैं लेकिन आजा में आँख बहुत नाजुक है इसीलिए अल्लाह ने आँख का निज़ाम ये रखा है कि अगर गर्द गोबार उठेगा आंख खुद बहुत बंद हो जाती है इंसान के इरादे से पहले ही मेडिकल वाले समझ सकते हैं कि इंसान की बॉडी में कुछ एक्शन ऐसे हैं जो इंसान के सोच से पहले हरकत में आ जाते हैं इंसान बहुत सारे काम करता है सोच कर पहले इरादा करेगा दिमाग में इतला जाएगी सिग्नल जाएगा दिमाग से ऑर्डर निकलेगा फिर इंसान वो काम करेगा मसलन फर्ज कीजिए हमारे जिसम में कहीं खुजली आई दिमाग में पहले सिग्नल चला गया दिमाग ने हाथ को आमादा किया फिर हाथ आकर के वहां खुजलाता है ये प्लानिंग के साथ होता है चाहे वो प्लानिंग सेकंडों में हो लेकिन कुछ एक्शन इंसान के ऐसे हैं कि वो इंसान के सोच से पहले एक्शन आ जा हो जाता है आपने जूता पहना इत्तेफाक से अंदर मसलन कंकर पड़ा हुआ था जो ही आपके पाऊ ने कंकर आपका पाऊँ फौरन एक वापस आ जाएगा किसी इंसान का पाऊं जमीन पर वहां इत्तेफाक से नीचे का अंगारा था अंगारा था वो जलने लगा तो आपके दिमागी फैसले से पहले पाऊँ वो वापस उठ जाएगा इसी तरह से इंसान अगर वहाँ से किसी ने पत्थर चलाया आप यहाँ सोचेंगे अब ये पत्थर आएगा मेरे सर पर लग सकता है बल्कि आँख पर भी लग सकता है और आँख बहुत नाजुक चीज़ है लिहाजा मुझे आँख बंद कर देनी चाहिए और सर हटा लेना चाहिए और सामने हाथ रखना चाहिए ये सारा जब तक सोचेंगे तब तक सर में पत्थर लग चुका होगा चुनाच वहां से पत्थर चलता है इंसान फौरन अपना सर भी नीचे कर लेता है आंख भी करता है हाथ भी ऊपर कर लेता है यह बॉडी में सिस्टम रखा है अल्लाह ने और मेडिकल वाले इसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बहुत डिटेल के साथ ईमान एक ऐसी नेमत है जिस नेमत की हिफाजत की फिक्र इंसान को उस तरह नहीं जिस तरह इंसान अपनी आंख की हिफाजत की फिक्र करता है उससे कहीं ज्यादा इंसान को अपनी ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए ऐसा ना हो कि आदमी समझता रहे मैं तो साहब ईमान हूं मगर ईमान अंदर से निकल चौका होगा अपनी किसी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि इंसान समझता हो इस काम के करने से कुछ नहीं होगा मगर नतीजा निकलेगा उसका ईमान उससे खत्म हो जाएगा बहुत सारे लोगों को यह वहम हो जाता है कि इन छोटी बातों से ईमान को क्या होगा चुनाचे वो संगीन जुर्मों को कमा समझते हैं मामूली चीज है चुनाचे कहते है, हैं हमसे क्या कैसे हाँ, हम अगर हमने यह किया इससे क्या होगा इससे क्या होगा ईमान खत्म हो चुका होता मगर वो समझता है मेरे ईमान को कुछ नहीं हुआ पानी पिया जाता है ये भी लिक्विड है शरबत जूस पिया जाता है वो भी लिक्विड है शराब पिया जाता है पीना नहीं चाहिए वो वो भी लिक्विड है दवाइयों में अल्कोहल मिलावा होता है और प्रजर्वेशन के लिए वो दवाई पी जाती है एक खास मकदार के साथ उससे ज्यादा नहीं और उसके बाद भी उस दवाई के पीने से इंसान को नशा चढ़ता है नींद आती है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है वो भी लिक्विड है और तेजा भी लिक्विड होता है पानी का गिलास इंसान पिएगा तो क्या फायदा होगा सबको मालूम है दूध का गिलास पिएगा क्या फायदा होगा सबको मालूम है शरबत का गिलास पिएगा सबको मालूम है फायदे क्या होंगे लेकिन अगर शराब का कतरा भी पिएगा शराब का कतरा भी पिएगा तो दो जुर्म हो जाएंगे एक मुंह नापाक हो जाएगा क्योंकि शराब नापाक है और दूसरे हराम चीज़ पीने का जुर्म हो जाएगा क्योंकि शराब का एक कतरा भी हराम है मगर उसकी जुबान को जबान कोई को नुकसान नहीं होगा उसका गला नहीं कटेगा उसको फिज़िकली कोई नुकसान नहीं होगा शराब से हाँ नशा चढ़ जाएगा नशा चढ़ने के बाद फिर वो गिरने भी लगेगा अगर ज़्यादा पी ली लेकिन देखिए एक आध कतरा अगर किसी ने पी लिया तो उसकी वजह से कहा जाएगा तुम्हारा मुँह भी नापाक हो गया तुमने हराम चीज़ इस्तेमाल कर ली जुर्म किया और लेकिन तुम्हारी जबान नहीं कटेगी तुम्हारा दांत नहीं गिरेगा तुम्हारे हलक को कैंसर नहीं होगा एक आध कतरा पीने से लेकिन अगर ठीक इसी तरह से एक कतरा तेजाब का इंसान ने अपनी ज़ुबान पर डाल दिया तो वहाँ ये नहीं कहेगा कह सकता कि साहब पानी भी लिक्विड उससे कुछ नहीं होता दूध भी लिक्विड उससे कुछ नहीं होता तो ऐसे तेज़ाब भी लिक्विड है उससे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा इसका तजर्बा तभी होगा कि जब ज़ुबान पर कतरा एक गिर जाएगा तो तेज़ाब का एक कतरा वो लिक्विड है मगर उसके बावजूद इस कदर जहरीला है इस कदर जहरीला है कि जुबान को छेद कर देगा साइनाइड वो भी एक टिकिया होगी तो हमने देखी नहीं लेकिन बहरहाल साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि इधर से जुबान को लगाया उधर से इंसान गिर जाता है जुबान को टच कर किया साइनाइड ने और इधर से इंसान गिर जाता है दुनिया में तो हजारों चीजें हैं जो इंसान खाता भी है पीता भी है जुबान पर भी रखता है कुछ नहीं होता तो ठीक उसी तरह से अगर कोई इंसान समझेगा इससे क्या होगा अनपीत से क्या कैसे इस मामूली चीज़ से क्या होगा और यह कह करके अगर साइनाड अपनी ज़ुबान पर रखेगा तो क्या होगा यह हर आदमी समझ सकता है क्या होगा हजरात जो बात समझनी है उसको डायरेक्ट हम बात अगर बयान करेंगे तो वही कि चूंकि जनाब रसुलकरम सल्ला वल्म ने फरमाया थमायाब क़्यामत के नज़दीक सूरत हाल ये होगी एक आदमी सुबह मुमिन होगा शाम को काफिर हो चुका होगा एक अभी शाम को मुमिन होगा सुबह को काफिर हो चुका होगा अल्लाह ने अपने कुरान करीब में फरमाया ए ईमान वालों जो तुम में से मेरे दीन को छोड़ करके वापस निकलना चाहे निकल सकता है मेरे दिन को कोई नुकसान नहीं होगा मैं नई कौम इस्लाम में लाऊंगा। और जनाब अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है बुखारी में हदीस है जिस आदमी के अंदर तीन बातें पाई जाएंगी उसको ईमान की लज्जत आएगी जिदो हलावत अल ईमान उसको ईमान की हलावत महसूस हो जाएगी जिस आदमी के अंदर तीन बातें होंगी नंबर एक अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इस कायनात में हर चीज से ज्यादा नंबर दो किसी इंसान से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कोई दुनिया मफाद के लिए नहीं और तीसरा आपने इशाद फरमाया क्या फरमाया फरमायाक्रहो रजुलफर कमा यको नार कुर की तरफ जाना इतना बुरा लगे जैसे आग में गिरना इंसान को बुरा लगता है जैसे इंसान आग में गिरने को तैयार नहीं होगा जब तक होश कायम है इसी तरह से कुफर की तरफ जाना जब बुरा लगे और कुफर की तरफ जाने की जब नफरत होगी तो तब तुम्हें ईमान का मज़ा आएगा ईमान की लजत आएगी आप जानते हैं आग की नफरत इतनी पुख्ता नफरत है कि जो पागल इंसान है उसके जहन में भी आग की नफरत होती है पागल इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब हो वो नंगा हो सकता है वो बर्फ़ में भी बैठेगा वो कीचड़ भी खा सकता है वो गालियां भी बक सकता है उसके मुंह में गंदगियां भी हो सकती हैं सारे गंद गलत काम वो कर सकता है लेकिन आग में कभी नहीं गिरेगा आग से बचने की फिक्र उस पागल इंसान को भी है जो पागल इंसान चले कलांग के अंदर नंगा होने के लिए तैयार है जो पागल इंसान सब कुछ करने को तैयार है यहां तक ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि नाली में पड़ी हुई कोई गंदी चीज कोई पागल उठा उठा के खा रहा हो उसको परवाह नहीं होगी लेकिन आग में वो अपने आप को नहीं गिराएगा आग की नफरत ऐसी है तो अल्लाह के नबी आल शाह फरमाया कि जिसके दिल में आग जिसके जिसके दिल में ईमान की ऐसी कदर हो ऐसी मोहब्बत हो कि जैसे आग में गिरना इंसान को बुरा लगता है वैसे ईमान छोड़ कर कुफर की तरफ़ जाना बुरा लगता हो तब तुमको ईमान का मज़ा आएगा आएगात हम जिस दौर में हैं इस दौर में हमारी बेशुमारेशानकुन सूरत हाल में से एक बहुत पेशान कन सूरत हाल ये है कि आज का मुसलमान अपने ईमान के बाब में बहुत ज़्यादा गैर मोहतात हो चुका है और उसका नतीजा ये है कि बेशुमार इंसानों का ईमान छिन चुका है और उनको पता भी नहीं कि हमारा ईमान छिन गया है बेशुमार इंसानों ने अपने बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों में पहुंचाया है जिन तालीमी इदारों में पढ़ने के नतीजे में उन बच्चों का ईमान छिन चुका है मगर वालदे को कोई परवाह नहीं बेशुमार ईमान वाले वो वो हरकतें करते हैं जिन हरकतों की वजह से यकीनन ईमान ख़त्म हो जाता है मगर वो न सोचने को तैयार हैं न समझने को तैयार हैं न मानने को तैयार हैं समझते हैं इस, इस मुसलमान हम मुसलमान हैं हमसे क्या कैसे ईमान छिन जाने के मुख्तलिफ असबाब होते हैं उन असबाब में से एक सबब तो यह है कि इंसान प्लानिंग के साथ इस्लाम को छोड़कर कुफ की तरफ चला जाए इरादा करके दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाएंगे हर जमाने में पाए जाते रहे हैं आज भी पाए जाएंगे अल्लाह के नबी आम के ज़माने में भी ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने ईमान कबूल किया ईमान कबूल करने के बाद मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे फिर बड़ी प्लानिंग के साथ उन्हें ईमान छोड़ करके मर्त हो गए और ईमान से वापस चले गए उनके साथ क्या मामला हुआ हमें वो बहस नहीं है नुकता यह है कि मर्तद होने के वाक़ अगरचे बहुत कम मगर खुद जनाब जनाबे रसोले के साहद मुबारक में भी हुए हज़रात साहब राम जमाने में भी मर्तद होने के वाक़ पाए गए कि ईमान कबूल करने के बाद ईमान कबूल करने के बाद फिर आदमी ईमान से चला गया हो सकता है जहन में सवाल आए कि हिरकल ने तो कहा था कि ईमान जब दिल में रच बस जाता है फिर ये निकलता नहीं है तो ये जो आदमी मर्तद हो रहा है ये जो आदमी मर्तद हो रहा है यह तो ईमान छोड़ कर निकल रहा है तो उसका एक आसान वाला जवाब यह है कि वह हुजूर ने नहीं फरमाया वह तो हिरकल ने कहा था हु ने तो यह फरमाया कि ऐसा भी होगा कि एक आदमी सुबह मुमिन है शाम को काफिर हो गया होगा गर्ज ये एक तो कुफर की तरफ जाना जो है वो पहली सूरत हाल यह है कि इंसान जान बूझ कर कुफर को समझे कुफर को पढ़े चाहे वो कोई सा भी कुफ्र हो उसके बाद फिर इरादे के साथ अपनी ईमान को छोड़ करके कुफर की तरफ चला जाए हर जमाने में ऐसे लोग पाए जाते रहे हैं आज भी पाए जाते हैं और बार दफा वह चलनों में भी उनके नाम आते रहते हैं फलां साहब ने यह कहा मुझे सा ये करना ये करना यह कोई नई चीज़ नहीं है अल्लाह का दिन किसी इंसान का मोहताज नहीं है सारे लोग मुर्त हो जाए तो अल्लाह को क्या परवाह है अब वो जहल ने ईमान कबूल नहीं किया तो उससे अल्लाह के दिन का क्या नुकसान हुआ मैंने एक दफा इंटरव्यू पढ़ा था एक खातून जो या तो न्यूजीलैंड की या ऑस्ट्रेलिया की ये इंटरव्यू या तो मलबोर में लिया गया है या हाँ, मलबोरन में इंटरव्यू मैंने पढ़ा यह खातून ये कहती है कि मैंने अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल किया और उसके बाद फिर उसके वजूहत बताई कि वो क्या वजूहत हैं जिनके बिना पर मैंने इस्लाम कबूल किया बहुत पढ़ी लिखी खातून थी उसने इस्लाम कबूल किया था तो सवाल करने वालों ने उनसे पूछा आपका फर्दर प्रोग्राम क्या है तो उसने कहा बहुत अफसोसनाक प्रोग्राम है मेरा सवाल करने वाले पूछा क्या है अफसोसनाक उसने कहा यहां न्यूजीलैंड के किसी इलाके में या ऑस्ट्रेलिया के साउथ इलाके में कोई बस्ती है या कोई शहर है वहाँ अरब लोग आए हुए बसे हैं वहाँ और वो सारे के सारे मर्तद हो गए हैं तो मेरा फर्दार प्रोग्राम ये है कि उनको वापस इस्लाम की तरफ मुझे लाना है मैं इसलिए अफसोसनाक कह रही हूँ कि मुसलमानों को मुझे जो मर्तद हो गए हैं उनको वापस आने की कोशिश करनी है काश मुझे ये काम ना होता मुझे नए लोगों को इस्लाम का सच्चा दीन पेश करने का मौका होता मगर मुझे वो काम करना है कि मैं उन लोगों को वापस आने की कोशिश करूँगी जो अरब ख़ानदानों के हैं और वहाँ जा कर के बस गए हैं बिजनेस की बुनियाद पर या मुलाजमतों की बुनियाद पर और वो मर्तद हो गए हैं दुनिया में हर मुल्क हर इलाके में लोग मर्त होते रहे हैं मरतद हुआ करते हैं उन दुल्स की तारीख बड़ी भयानक तारीख़ है उस तारीख़ में बेशुमार इंसान वो भी हैं कि जो आगे चल कर के मरतद हो गए साहबे के नाम में से हजरत माज़बिन जबल और हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्ला दो बड़े साहबा हैं इन दोनों बड़े साहबा को अल्लाह के नबी आ साहब ने यमन का गवर्नर बनाया था यमन के दो हिस्से आपने किए और एक हिस्सा माजबिन जबल के इख्तियार में दिया और एक हिस्सा हजरत अबू मूसाशर रजील्ल्ला के एक मरतबाजरत मज़बिन जबल रज़ी अल्लाह तरत अबू मूसाशरी से मुलाकात करने के लिए आए जब पहुँचे हैं वहाँ तो देखा एक इंसान जो बाँधा हुआ है तो माज़ अपने जबल ने इसी के बारे में पूछा इस आदमी को क्यों बांधा गया है तो हजरत अबू मशरी रज़ी ने फरमाया कि ये यहूदी था ये मुसलमान हुआ था और उस फिर ये मर्तद हो गया है इस्लाम छोड़कर वापस चला गया है इसलिए उसको लाया गया है ताकि इसकी आगे कार्रवाई की जाए आगे उसको इस्लाम पेश किया जाए ये वापस आएगा वगैरह तो महाजब ने जबल रजी अल्लाह तरमाया जिस सरजमीन पर मर्तद बैठा हुआ हो उस सरजमीन पर मैं अपने पाँव नहीं रखूँगा जब तक ये ज़िंदा है चलाते वह सवारी से नीचे नहीं उतरे बहरहाल इर्तदाद हमेशा रहा है जानबूझ करके कोई इंसान अपना इस्लाम छोड़ कर के की तरफ चला जाए ऐसा वाक़ा आ सकता है ये कब होगा कि जब अल्लाह ताला शानहु ने उसके जहन को ईमान से महरूम कर दिया हो अब वो चाहे किसी मफाद की बिना पर चाहे किसी गलत फ़हमी की बिना पर चाहे किसी लालच की बिना पर और चाहे किसी प्रेशर की बिना पर ईमान छोड़ कुफर की तरफ चला जाए ऐसा होगा लेकिन बहुत कम होगा इससे ज्यादा जो वाकत पेश आएंगे वो क्या होंगे कि इंसान ऐसी हरकतें करेगा जिन हरकतों की वजह से वो आदमी ईमान से चला जाएगा मसला किसी भी किसी भी कुफर की कोई ऐसी चीज किसी भी कुफर की कोई ऐसी चीज जो उस कुफ्र की निशानी है जब वो मुसलमान उसको इख्तियार करेगा तो उसका ईमान उसे खत्म हो जाता है मसला गले में जुन्नार डाला गया जो ईसाइयों के यहां सलेब कहलाता है तो अगर किसी ने गले में सलेब डाला सलेब डालने की वजह से आदमी ईमान खारिज हो जाएगा इसी तरह से पेशानी पर टीका किया तो आदमी ईमान से ख़ारिज हो जाएगा इसी तरह से मूर्ति के सामने मालाएं डाली गई तो आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा इसी तरह से भजन गाए गए और वो जुमले ज़ुबान से बोले गए जो कुफर के जुमले हैं तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है इसी तरह से ऐसी हरकतें की गई जो हरकतें बुतपरस्ती की बुनियाद पर की जाती हैं और ये ईमान वाले ने वो हरकतें की हैं या वो कलाम पढ़ा जो कुफर की बुनियाद पर पढ़ा जाता है और आदमी ने मुसलमान होकर के वो कलाम पढ़ा है तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है ईमान उसका ख़त्म हो जाता है इस नुते को सामने रख कर अब गौर किया जाए वो हमारे स्कूल जिन स्कूलों के अंदर बच्चों को वो प्रायर पढ़ाए जाते हैं जिन प्रायरों में खुल्लम खुल्ला कुफ्र है और शिरक है तो यकीनन वो उस्ताद जो पढ़ाने वाला है अगर वो ईमान वाला है वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं अगर वो ईमान वाले हैं तो इन कुफ्र के प्रायरों को पढ़ने के नतीजे में उनका ईमान खत्म हो जाता है इसी तरह से कुर के लाक होने की एक और कस्म जो है उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है वो ये अल्लाह की ज़ात के बारे में अल्लाह के नबी की नबीआई केदस के बारे में कुरान करीम के बारे में आख़रत के बारे में फ़रिश्तों के बारे में अमिया आलम सलातम के बारे में ज़ुबान से ऐसे जुमले बोले जाएँ जो तोहैन आमेज़ हों और उन जुमलों के नतीजे में आदमी ईमान से खारिज हो जाता है मसला अल्लाह की ज़ात के बारे में ऐसे कमेंट्स ऐसे जुमले बोले जाएँ ऐसे जुमले बोले जाएँ जो आदमी के ईमान के ख़त्म कर देते हैं मसला फ़र्ज़ कीजिए मैं नहीं जानता खुदा उदा कौन होता है मैंने जिस खुदा को आज तक देखा ही नहीं उसको खुदा को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ या मसलन इंसान इंसान को कहता है कभी कि साहब तुम तो न जाने कहाँ ग़ायब रहते हो आजकल तो, तो तुम ऐसे गायब हो कि खुदा साहब को भी तुम मिल नहीं सकते आप या मसलन अल्लाह की ज़ात के बारे में किसी ने कहा कि अल्लाह ताला भी बड़ा जालिम है या खुदा ने खासता किसी ज़ुबान से निकल गया कि अल्लाह ताला को भी नज़र नहीं आता उसने भी रहम नहीं किया घर में हादसाती मौत हो गई और उसकी बिना पर बहुत गमजदा हैं इस गमजदगी में ज़ुबान से निकल गए जुमले ए अल्लाह आपने हम पर यह जुल्म क्यों किया ए अल्लाह ये बेचारा मासूम था इसको क्यों आपने मार दिया ऐम क्या उसने से चुम इस तरह के जुमले जो अल्लाह की जात के बारे में है इसके लिए फार्मूला बना हुआ है फार्मूला बना हुआ है अल्लाह की ज़ात के बारे में वो जुमले बोलना जो अल्लाह की शान के लायक नहीं है वो कुफ्र है हमारी जो दीनी किताबें हैं उन दीनी किताबों में किताबों की एक कस्म वो होती है जिसको कहते हैं तफसीर उसमें क़ुरान करीम की तफसीर बयान होती है दीनी किताबों की दूसरी कस्म होती है उसको कहते हैं अदीस जो हदीसें होती हैं और फिर हदीसों की तशरीह होती है दीनी किताबों की तीसरी कस्म है उसको कहते हैं फिकह की किताबें उस फिकह की किताबों में इस्लामी क़ानून होता है ये कानून इबादात के लिए भी है मामला के लिए भी है फर्द वरोश के लिए भी है निकाह और तलाक के लिए भी है जिसको हम फ़िका कहते हैं ये वज़ू से शुरू होगा और इंसान के मरने तक इंसान की ज़िंदगी में जितने मामलात होते हैं उन तमाम मामला के बारे में इस्लामी फ़िका में उसूल और जवाबित और मसाइल लिखे हुए होते हैं उन किताबों में जैसे वज़ू का बयान होगा वज़ू में इतने फ़र्ज हैं इतनी सुन्नतें हैं इस चीज़ें वजू टूट जाएगा ये उसी तरह से नमाजों के मसाइल होंगे जक़ात के मसाइल होंगे हज के मसाइल होंगे रोजों के मसाइल होंगे निका के होंगे माहर के होंगे तलाक के होंगे मेंटेनेंस के होंगे उसके बाद फिर और आगे चलेंगे तो कारोबार के मसाइल होंगे इसमें बिज़नेस के मसाइल होंगे मुलाजमतों के मसाइल होंगे और आगे चलेंगे हुकूमत के मसाइल होंगे हुकुमरान कैसे वजूद में आता है हुकूमतें कैसे चलानी होती हैं ज़मींदारी के मसाइल होंगे गरज है कि इंसानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिन शोबों के बारे में फिकह के किताबों में अफवाब होते हैं और उनकी डिटेल होती है बल्कि बज़ दफ़ा तो वो वो मसाइल किताबों में होते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि एक हज़ार साल पहले हमारे फ़कह व मसला बयान कर रहे हैं जो आज पेश आ रहा है होता है मुझे याद है यहाँ करीब की मस्जिद में मैं जुमा पढ़ रहा था यहाँ दरिया के पार मस्जिद है मस्जिद हुदा मस्जिद हुदा में मैं जब वो पहली पुरानी मस्जिद थी उसके बाद उसका नाम था कट्टर मस्जिद कट्टर मस्जिद को शहीद करके जब दोबारा बनाना था तो उस वक्त सवाल पैदा हुआ कि मक, पड़ोसी मकान वाला जो है पड़ोस के मकान वाला वो कहता था फायर गैप रखो क्योंकि अगर आप दीवार मेरी दीवार के करीब आएंगे तो मुझे अंधेरा हो जाएगा तो उस वक्त मस्जिद वालों ने जो सवाल किया कि जी इस्लाम में फायर गैप रहने का रखने का इंक तस्वुर है या नहीं तो मुझे अच्छी तरह से याद है मैं सोचता रहा कि फायर गैप का मसला आज के ज़माने का मसला है हुजूर के ज़माने का मसला तो नहीं है इसलिए हमारी फ़ा की किताब में कहाँ होगा फायर गैप का मसला और हदीस में तो हो ही नहीं सकता फायर गैप का मसला क्योंकि उस, uh, उस वक्त तो हुजूर के ज़माने में फायर गैप रखने न रखने की बात ही नहीं थी फायर गैप रखने के तीन मकसद होते हैं एक तो हवा आए रोशनी आए और धूप आए और ये तीनों चीज़ों की जरूरत है रोशनी धूप और हवा इस वजह से फायर गैब रखने का तस्वुर आज के कॉलोनी बनाने में होता है लेकिन ईमान बढ़ जाता है जब इंसान इस तरह की चीज़ें पढ़ता है जब मैंने हदीस ढूंढनी शुरू की तो बुहरी शरीफ में हदीस मिल गई कि जनाब रसूल अक्रम सासम से एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह ससम हमें फला जगह मकान बनाना है मकान के बारे में कोई हिदायत फरमाएं तो आपने फरमाया उस मकान और इस मकान के दरमियान तुम सात हाथ का फासला रख देना सात हाथ हुए बारह फिट हमारे म्यूनसिपलिटी वाले तो पांच फिट का फायर गैप मानते हैं अल्लाह के नबी ने बारह फिट का फायर गैप उस पर रखवाया था तो गरज यह कि फिका की किताबों में तमाम मसाइल होते हैं उन फिका की किताबों में जहां तमाम मसाइल होते हैं वहां एक बड़ा चैप्टर होता है अलफाज कुन कौन, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी बिना पर आदमी का ईमान छिन जाएगा और आदमी को पता भी नहीं चलेगा और आदमी काफिर हो जाएगा उसमें वो हरकतें भी शामिल होती हैं जिन हरकतों की बिना पर आदमी ईमान से निकल जाता है वो अल्फ़ाज भी वहाँ लिखे हुए होते हैं जिन अल्फाज की बिना पर आदमी का ईमान ख़त्म हो चुका होता है अब अगर खुदा ने खासा किसी इंसान से ऐसी कोई हरकत हुई है जिसके नतीजे में उसका ईमान ख़त्म हो गया हो या ऐसा जुमला उसने ज़ुबान से बोला है जिसके नतीजे में उसका ईमान ख़त्म हो गया हो तो वहाँ आगे उसका हुक्म भी लिखा हुआ होता है कि इसके लिए हुक्म यह है कि नए सिरे से कलमा पढ़े और इसके लिए हुक्म यह है कि नए सिरे से इसका निका पढ़ा जाए और अगर शोहर तैयार ना हो तो बीवी को हुक्म आ जाता है थी, के कि को होगा, शाम को काफी होगा मुझे याद है एक दफा रात के तकर बजे किसी साहब ने मुझे फोन पर मसला पूछा कहता है जी मेरी बीवी वैसे तो बहुत अच्छी है नमाज गुजार है और अभी ईशा की नमाज भी पढ़ी है अभी ईशा की नमाज भी उसने उसने पढ़ी है तो मैंने कहा ठीक है कल लगा है। फिर मामूली बात पर झगड़ा हो गया और उसने ये लफ्ज़ बोल दिया उसने एक ऐसा लफ्ज़ बोला था जिसकी वजह से उसका ईमान भी खत्म हो गया और उसकी वजह से उनका निकाह भी खत्म हो गया मैंने उनसे कहा फिलहाल तुम एक काम करो बीवी को आप कमरे से बाहर निकाल दो और दूसरे कमरे में रखो क्योंकि तुम उसका ईमान भी खत्म हो चुका है और तुम्हारा निका भी खत्म हो गया हालाँकि अभी थोड़ी देर पहले उसने नमाज़ पढ़ी है लेकिन ज़ुबान से एक ऐसा जुमला जो यह मस्जिद में मैं नहीं बोल सकता और मुनासिब भी नहीं है वह जुमला बोलना फौश जुमला था नामुनासब जुमला था उस फहश और नामुनासिब जुमले के नतीजे में उसका ईमान ख़त्म हो गया हजरात इस गुफगू का मकसूद जो है वो ये है कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत तो नमत अता फ़रमाई है इस कायनत में बेशुमार नमतें इंसानों को मिलती हैं इस कायनात में हुकूमत भी नमत है सेहत भी नामत है अहदा भी नामत है ऐश आराम भी नमत है औलाद भी नमत है ये सारी चीज़ें नमतें हैं लेकिन इन नों में सबसे बड़ी नमत नमत ईमान है नमत ईमान के माना है इस कायनात में हम वो माने जो हकीकत है और उस चीज़ का हम इनकार करते हैं जो हकीकत नहीं है इस कायनात में हकीकत यह है ये कायनात एक अल्लाह ने बनाई इस कायनात की हकीकत यह है कि इसका अंजाम फना है और एक नई कायनात वजूद में आएगी जिसको आखरत कहते हैं हम उस आखरत को मानते हैं यानी ईमान नाम है अल्लाह को वैसा मानना जैसे सारे नबियों ने कहा और सारे नबियों के अख़ीर में मोहम्मद रसूल ने फरमाया ये अल्लाह को मानना है अल्लाह के कहने पर तमाम नबियों को मानना नबियों को क्या मानना है वो तमाम के तमाम नबी इंसान थे तमाम इंसानी खामियों से महफूज थे और तमाम खूबियों से वो आरास्ता थे तमाम गुनाहों से वो मासूम थे और उनकी ज़ुबान से जो निकलता था वो हक़ था और हर नबी जो है वह हिदायत वाला होता था हर नबी किसी एक इलाके के लिए होता था और मोहम्मद रसोल्ला पूरे आकायनत के लिए नबी बनकर के आए हैं हर नबी नबी था मोहम्मद रसोल्ला नबी भी हैं और ख़ातमन नबीन भी हैं इसी तरह से आखरत के बारे में अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो कहा उसको आँख बंद करके मान लेना है ये जो कुछ अल्लाह ने कहा ये होगा चाहे हमारी समझ में आए या ना आए जो कुछ अल्लाह के नबी ने फरमाया वो होगा चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए वहां समझ की कोई अहमियत नहीं है समझ को साइड पर रखना है वहां आंख बंद करके मानना है आंख बंद करके मानने का नाम ईमान है तजुबा की बुनियाद पर अगर हम किसी बात को मानेंगे वो ईमान नहीं है साइंसी बुनियाद पर अगर हम किसी बात को मानेंगे वो ईमान नहीं है इसी तरह से किसी इंसान के कहने पर अगर हमने किसी बात को माना तो ईमान नहीं है और ख़ुद के मुशाहिदे की बुनियाद पर अगर हमने किसी बात को माना वो भी ईमान नहीं है कयामत के दिन तमाम के तमाम अल्लाह को मानने वाले होंगे लेकिन ज़ाहिर उसका नाम ईमान नहीं है मौत के वक्त इंसान देख लेता है मालाकुल मौत आ गया उसके बाद फिर वो फरिश्तों को मान लेगा वो ईमान नहीं है अगर हमने कोई साइंसी तजर्बा किया और साइंसी तजर्बे की बुनियाद पर हमने किसी चीज़ का फायदा महसूस हुआ अब हमने मान लिया ये चीज़ फायदेमंद है तो वह ईमान नहीं है हम उस चीज़ को मान लें नबी के कहने पर तब बनता है वो ईमान यानी ईमान नाम है आंख बंद करके नबी के कहने पर किसी बात को मान लिया जाए अगर एक चीज हकीकत है और हंड्रेड परसेंट हकीकत है मगर वो नबी ने वो बात नहीं कही हम उस बात को मान रहे हैं क्योंकि वो हकीकत है मगर उसका नाम ईमान नहीं है हम में से हर इंसान जानता है आसमान ऊपर है हर इंसान जानता है जमी पाँव ज़मीन जो है वो पाँव के नीचे है हर इंसान को यकीन आग गर्म है हर इंसान को यकीन बर्फ़ ठंडी होती है हर इंसान को यकीन पानी पीने से प्यास भुजती है हर इंसान को यकीन आग जला देती है हर इंसान जानता है दो दो चार हुआ करते हैं इन तमाम चीज़ों के मानने का नाम ईमान नहीं है क्यों हम इन तमाम चीज़ों को मान रहे हैं मुशाहिदे की बुनियाद पर ईमान नाम है नबी के कहने पर अल्लाह को नबी के कहने पर आखरत को अल्लाह के कहने पर नबी को अल्लाह के कहने पर सारे नबियों को मोहम्मद रसोलम के कहने पर अल्लाह को और सारे नबियों को मान लेना और फरिश्तों को मान लेना इसका नाम है ईमान आँख बंद करके मानना इसमें अगर हम कहेंगे पहले हमको नजर आ नजर आना चाहिए तब हम मानेंगे जनाब जब आपको नज़र आएगा फिर मानेंगे वो ईमान बनेगा ही नहीं ईमान तो नाम है नजर न आने वाली हकीकत को नबी के कहने पर मान लेना यह ईमान अल्लाह ने हमको अता फरमाया है इस ईमान को जैसे दुनिया के हर कीमती चीज़ को तरह तरह के खतरे होते हैं इस ईमान को भी खतरे हैं उन खतरों से हर ईमान वाले को चौकाना रहना होता है खून आज के जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जब आदमी को इसकी परवाह नहीं होती है तो इंसान वो हरकतें कर जाता है जिसके नतीजे में समझता है अम सिद्ध क्या कैसे इससे क्या होगा ये जो धोखे वाला लफ्ज है इससे क्या होगा जनाब आप अपने सेहत के बारे में कभी नहीं कहते इससे क्या होगा आप जहर के बारे में कभी नहीं कहते यु था इससे क्या होगा आप साइनर के बारे में कभी नहीं कहते इससे क्या होगा चिंगारी के बारे में कभी नहीं कहते इससे क्या होगा चिंगारी ही तो आग लगती ये जुमला कि इससे क्या होगा यह आपको फैसला नहीं करना है जैसे मेडिकल का फैसला डॉक्टर करेगा किस चीज से क्या होगा ठीक इसी तरह से किस चीज से ईमान बचेगा किस चीज़ से ईमान घटेगा किस चीज़ से ईमान छिन जाएगा इसका फैसला ना आपको करना है ना किसी इंसान को करना है इसका फैसला उसी अल्लाह और रसल नबी को करना है जिस अल्लाह और नबी ने ईमान के ऊसूल जवाब मकर फरमाए हैं लिहाजा जुबान से हर वो जुमला जिसके नतीजे में ईमान छिन जाए नहीं बोलना है और वह जुमले सीखने पड़ेंगे ये वो जुमले हैं जिनकी वजह से आज भी ईमान छिन जाता है तमाम वो वकुर के जुमले जिसके न, जिसके नतीजे में हम जमीन को अपना माबूद माने उसके नतीजे ईमान छिन जाता है किसी जानवर को अपना माबूद माने ईमान छिन जाता है किसी के सामने सर झुकाएं ईमान छिन जाता है और यह फिर सिर्फ बुतों के लिए नहीं है अगर किसी इंसान ने इंसान को सजदा किया इंसान को सजदा किया तो साहब ने कभी ईमान छिन जाता है अल्लाह के नबी नबीसान फरमाया अगर किसी इंसान को जायज़ होता दूसरे इंसान को सजदा करता तो मैं औरतों को हुक्म देता हूँ अपने शोहरों को सजदा करे इसका मतलब ये हजरत बिन उबादा रजी अल्लाह तआला रजियाल्ला के बादशाह के पास गए और वहां देखा वहां के सारे लोग बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं जब वो वापस आए उन्होंने कहा इस कायनात में सजदा करने का हक अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बादशा के बादशाह के दरबार में देखा लोग उनको सजदा करते हैं क्या हम आपको सजदा न करें तो अल्लाह के नबी नबिया हर गेज नहीं सजदा सिर्फ एक अल्लाह को है बल्कि अखीर उम्र में अल्लाह के नबी ने फरमाया था क्या फरमाया था खबरदार खबरदार मेरी कबर पर सजदे मत करना ला तखिदु कबरी मस्जिदा खबरदार मेरी कबर को सजदा मत करना लान अल्लाह यहूद वंद नसारा यहूद और नसारों पर लानत है उन्होंने अल्लाह के नबियों को सजदे किए हैं तो किसी के सामने झुकना ऐसे जुमले बोलना जिन जुमलों के बोलने की वजह से आदमी छिन जाए ईमान छिन जाए ऐसे ऐसे प्रायर पढ़ना जिन प्रायरों की वजह से आदमी का ईमान छिन जाए जिसमें किसी मखलूक को ख़ुदा का दर्जा दिया गया हो जिसमें मखलूक से मांगा गया हो जिसमें मखलूक से ब्लेसिंग मांगी गई हो वो तमाम के तमाम कुफर हैं और उसके नतीजे में आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है अब एक आदमी ने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पहुँचाया जिस स्कूल का नाम भी मशहूर और रेप्टेसन बहुत अच्छी है चाहे स्टैंडर्ड तालीम का है या नहीं है मगर नाम बड़ा है इस बड़े स्कूल वाले में बच्चों को सुबह सवेरे वो प्रायर पढ़ाए जा रहे हैं जैसा कि मुझे दिखाए गए वो प्रायर और उसमें सीधे कुफर है उसमें सीधे शिरक है तो अब वो बाप खुद फैसला करे जिसने अपने बेचे को वहाँ पहुंचाया और वो बच्चा खुद फैसला करे जिस बाप ने उसको वहाँ पहुंचाया और वो स्टाफ खुद फैसला करे ईमान वाले के जो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अपनी मुलाजमत के बिना पर अपने ईमान का सौदा तुम ऐसा होगा दुनिया में कि किसी वक्ती मफाद की बिना पर पैसे की लालच की बना पर किसी जॉब को पाने के लिए किसी और चीज किसी दुनियावी लालच के लिए इंसान अपनी ईमान का सौदा करे और फिर कहेगा इससे कुछ नहीं होगा मैं करूंगा इससे कुछ नहीं होगा मैं करूंगा यह अपने आप को झूठी तसल्लियां देना है कि मे, मेरा ईमान अभी है हालांकि वो छिन चुका होता है कुरान करीम ने कहा और नासमयल आमन नाबिल्हमिल आखिर वन बाद इंसान वो हैं जो समझते हैं कि हम ईमान वाले हैं हकीकत यह है कि उनका पास ईमान नहीं है और इसी के साथ साथ जैसे हम वो कल वो जुमले ज़ुबान से नहीं बोल सकते जिन जुमलों की वजह से खुल्लम खुल्ला कुफर होगा इसी तरह से वो हरकतें नहीं कर सकते जिनकी वजह से कुफ्र होगा उन जगहों पर भी नहीं जा सकते जिन जगहों पर जाने से कुफ्र होगा चाहे वो दूसरी कौमों के इबादत खाने हों चाहे वो दूसरे कौमों का मजहबी त्यौहार हो चाहे हती कि हमारी किताबों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक कौम जो एक ख़ास दिन में पूरे बदन को रंग रंगती है अगर ईमान वाले ने खुशी के साथ वंग रंगवा लिया इसका ईमान ख़त्म हो जाता है ये थोड़ा इतना आसान मामला है वो तो ओलामा इसलिए इसको बयान नहीं करते हैं कि मुसलमानों की सतह नहीं है उसको सुनने की ईमानी लेवल इतनी नीचे जा चुकी है कि फौर भी कहता है यार जूत हकीकत सौरहाल यही है तमाम वो चीजें आपने धागा बांधा यहाँ फैशन की बुनियाद पर इस धागे की हैसियत कुछ और है और अगर यही धागा बांधा गया किसी मजहबी शयार की बुनियाद पर इस धागे के बांधे से ईमान खत्म हो जाता है असल में इंटेंशन है मसला क्या आप कोई काम जब कर रहे हैं तो इंटेंशन आपका क्या है हम अगर कोई काम कर रहे हैं इसलिए कि दूसरे मजहब का शयार है और हमें अच्छा लग रहा है तो जो ही दूसरे मज़हब की कोई चीज़ मजहबी बुनियादों पर जो की होती है हो, अच्छी लग रही है हमारे मुझे याद है कि मुफ्तियों के सामने सवाल आता है वो मुसलमान जो गैर मुस्लिम सोसाइटियों में बसते हैं वो गैर मुसल वो मुसलमान गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहने की वजह से तरह तरह के मसाइल उनके सामने रहते हैं मसलन किसी गैर मुस्लिम की वफात हो गई अब वो कहते हैं कि जी हम इनके इन आखिरी रसूमा में शिरकत कर सकते हैं या नहीं हमें क्या क्या करना है अगर हम कहें कि अगर इस्लाम कहेगा किसी चीज़ में शिरकत मत करो किसी चीज़ में चर... शिरकत मत करो तो रहना उन्हीं के साथ है क्या बिजनेस उन्हीं के साथ करना है काम उन्हीं के साथ करना है लेन देन उन्हीं के साथ है सोसाइटी उनकी वही है तो गोया मुकम्मल कट भी नहीं सकते हैं और अगर कहेंगे सब कुछ करो तो उनका ईमान ही खत्म हो जाएगा तो वहां दर्जाबंदी की जाती है आप ये काम भी कर सकते हैं आप ये काम भी कर सकते हैं यह काम नहीं कर सकते आप उनकी ताजियत कर सकते हैं इजार हमदर्दी कर सकते हैं माली मदद कर सकते हैं और परेशान हो तो परेशानी में उनको तसली दे सकते हैं उनके ढारस बंधा सकते हैं लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई कौम अपने मुर्दे को खास अंदाज से इस दुनिया से रुसत करती है वो उनका मजहबी अमल है आप उसमें शिरकत नहीं कर सकते क्यों इसलिए कि वो तो आपका ही आपने तो उनकी चीज पसंद कर ली कि जहां तक हमारा मजहब हमें इजाजत देगा बस वहां तक हम आपके साथ हैं और जहां से आगे कि जनाब आपके घर में मेहमान आ गया आप उस मेहमान के साथ आपको आप उसको बाथरूम भी दिखाते हैं बेडरूम पर लेकिन इसके माना यह नहीं है कि वो रात को कहेगा आप जिस बेडरूम में आप यहां बीवी सोएंगे मैं रात को वहीं आऊंगा यह तो नहीं हो सकता उसकी लिमिट तो हर चीज के बारे में लिमिट है और आखिरी बात जो है वह यह कि इस तरह के तमाम जुमले इंसान अपनी अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में बोलता है बिजनेस की दुनिया में घरेलू दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान दोस्तों के साथ कभी मजाक में कभी गुस्से में जिसमें अल्लाह की ज़ात के मुतल ऐसे जुमले होते हैं वजह से ईमान छिन जाता है हमारे माशरे में भी बकासरत ऐसे जुमले राइज हैं और जब हम सुनते रहते हैं तो डर भी लगता है और कभी कभी नरमी से समझाते भी हैं कि यह जुमला अब नहीं बोलना होता है मुझे एक दफा यहीं शहर से इमाम साहब ने फोन किया कि जनाब ईशा के बाद मैं दुआ कर रहा था एक आदमी खड़े होकर क्या कहता है हे hey, इमाम सोबा कहा चुप तुम दुआ कर रहा या गो खुदा इमाम साहब क्यों ये दुआएं कर रहे हो खुदा सुनता कहां है अब इमाम साहब मुझसे पूछ रहे हैं इस आदमी का हुक्म क्या है मैंने कहा उससे आप कहें कि तुमने जहर खाया है तुम्हें चाहिए कि डॉक्टर से पूछो मैंने जहर खाया मुझे क्या करना है तो जिसने जहर खाया वही पूछे इसी तरह से जब सैलाब आया था तो सैलाब की वजह से जो नुकसान हुए हैं उन नुकसान में एक साहब यहीं करीब में मैं उसे जानता तो नहीं हूँ मगर वहाँ जो इमाम साहब तो इमाम साहब ने मुझे बताया क्या लगा वो आदमी खड़े होकर मकान जब गिर चुका था वो कहता ओ खुदा जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते दे? खुदाया क्या इस्तीफा देवान दे ये ना कंट्रोल ही रो दी मेरे भाई इस तरह के बेशुमार जुमले हैं बेशुमार जुमले हैं जो बिज़नेस की दुनिया में जो शादियों की माहौल में जो परेशानियों के गम में परेशानियों के आलम में इंसान की जुबान से निकलते हैं अल्लाह की ज़ात के बारे में अल्लाह के नबी की जात के बारे में और कुरान करीम के बारे में आखरत के बारे में दीन इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में मसलन किसी आदमी को कहा गया ये चीज आप कर रहे हैं एक आदमी को रिश्वत खाने की बुरी आदत है और ये रिश्वत में लत पथ है अब हमने नादानी की क्योंकि उसकी सतह वैसी नहीं थी जो दीन सुनता उसे कहा जनाब ये इस रिश्वत इस्लाम में हराम है वो जवाब में कहता अपना इस्लाम वहीं रखो हमें तुम्हारा इस्लाम नहीं चाहिए तो इसका ईमान खत्म हो गया ये ठीक है ये भी समझ रहा होगा मुझे मुसलमान इसके दफ्तर वाले भी समझ रहे हैं मैं मुसलमान हूँ इसके घर वाले भी समझेंगे मैं मुसलमान हूँ मगर अल्लाह क्या है इसका इस्लाम ख़त्म हो चुका है जिस इस्लाम को वो कह रहा मुझे चाहिए नहीं इसी तरह से मसलन हमने वो अमल किया जो अमल सिर्फ मुसलमान के लिए करना है ग़ैर मुस्लिम के लिए नहीं करना है अगर हमने कहा या अल्लाह इसकी मफफरत कर दीजिए या अल्लाह इसको माफ़ कर दीजिए अल्लाह तो कह रहा है मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा और हम कह रहे हैं आप इसको माफ़ कर दीजिए गरज ये कि हमारे मुआरे में बहुत सारे पहलू हैं इस सिलसिले में जो बहुत मोहतात रहने की बात है और इसमें यह नहीं होना चाहिए है ना, ना, क्या कैसे इससे क्या होगा यह नादानी की बात है जो आप नहीं समझता इससे क्या होगा आप दवाइयों के बारे में कभी नहीं कहते इससे क्या होगा उससे तो डॉक्टर से पूछ पुछ कर करते हैं अगर डॉक्टर ने कहा खबरदार ये तुम्हारे जहर है इस दवाई में तुम्हारे साइड इफेक्ट है अगर किसी अगर किसी इंजेक्शन से साइड इफेक्ट का खतरा हो पहले चेक करके देखते हैं कि साहब इसको इंजेक्शन से रिएक्शन तो नहीं होगा उस पहले चेक करते हैं फिर निशान लगाते हैं फिर देखते हैं 24 घंटे के अंदर उसके बाद फिर वो इंजेक्शन किया जाएगा वहां क्यों नहीं कहते पीछ से क्या कैसे इससे क्या होगा कोई नहीं कहता वहां समझता है सेहत का मामला मेरे भाई इंसान की सेहत के मामले से कई ज्यादा आम इंसान के ईमान का मामला है ऐसा ना हो हमारे हाथ से ऐसी कोई हरकत हो जाए जिसके नतीजे में ईमान हमारा छिन चुका हो ऐसा ना हो हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पहुंचाएं जहां उनका ईमान छिन छुके छिन जाए और हम समझ रहे हैं हमारा बच्चा हाई फाई तालीम पढ़ रहा है और इसी का एक पहलू है जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस सिलसिले में तो आम तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला बहुत मोहतात होता है हम मुसलमान माशरे पर जब नजर रखते हैं तो यह तो मिलता है कि अल्लाह की जारे में बे एहतियाती के जुमले जुबान पर आते हैं लेकिन ईमान वाला कितना ही कमजोर ईमान वाला हो जूर अगरम सासम की झाते अकदस के बारे में तो वो हिल जाएगा ये सोचते सोचते अगर हुजूर के बारे में कोई एक जुमला में मैं बोलूँ हजूर का मामला वाकता नाजुक है और ईमान का तकाजा है कि हुजूर के बारे में तो जुमला भी ना बोले इसीलिए यह जो कार्टूने बनते हैं हम सख्ती के साथ क्यों कहते हैं ये हराम है इस वजह से कार्टून जब हजूर के बनेंगे चाहे बनाने वाला मुसलमान क्यों न हो और चाहे उसका इंटेंशन बहुत अच्छा क्यों ना हो हम कहते हैं आज ये कार्टून बना कल को नबी की सारी चीज़ें जो है वह कार्टूनों की शक्ल में आएंगी चुनाचे कार्टून बनाएंगे कि नबी पर वही नाज़िल हो रही है फिर एक औरत को दिखाया गया कि साहब ये औरत जो है ये हजरत जबलीसम है और वही सुन रहे हैं ना और सामने हजूर के शक्ल बनाई गई फिर कार्टून बनेगा हजूर गार हिर में चढ़ रहे हैं फिर कार्टून बनेगा हजूर मदीना हिजरत करके जा रहे ऊँट जा रहा है फिर वहां लोग खड़े सामने होंगे वो इस्तेमाल कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ बहुत अच्छी शक्लें बनाएँ मगर होगा ये कार्टून और उसके नतीजे में महमदुर रसूल की अजमतें जो हमारे कलूब में हैं वह अजमतें ख़त्म हो जाएंगी इसलिए हर गिज़ ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हज़ूर की हज़ूर की शान अकदस के बारे में कोई गुस्ताखी करे या कार्टून बनाए या फिर उनके बारे में कोई कमिट्स इस तरह के जुमले लाए जाएँ जो जुमले कुफर वाले होंगे लेकिन कम से कम ईमान वाला तो वो जुमले नहीं ला सकता मुसलमान घरों में पैदा होने वाले वो लोग जो पैदा तो है मुसलमान घरों में मगर उन्हें ऐसी किताबें लिखीं जिनमें हुजूर की जात अगदस के बारे में तोहन थी उनके बारे में फैसला हो गया वह ईमान से बाहर ईमान से खारिज और हर जमाने में होता रहेगा अल्लाह का दीन अल्लाह अपनी दीन में बेन्याज है अल्लाह अल फरमा ईमान वालो अगर तुम मेरे दीन पर जमना चाहते हो तो तुम्हारा फ़ायदा है और अगर तुम मेरे दीन से हटना चाहते हो माँ मिन को मीन जो मेरे दीन को छोड़कर निकलना चाहता है फ़सोफयात कौमिन अल्लाह एक नई कौम लाएगा जो पुख्ता मुसलमान होंगे और वह महतात होंगे वो हरगज़ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि जिसके नतीजे में जिसके नतीजे में उनका ईमान छिन जाए बस मैं बात सुन आखिरी बात सुना ख़त्म करता हूँ मैं एक मरतबा बंगलौर में था वहाँ कश्मीरी लड़के मिले आज कल वो बाहर के मुल्कों में हैं तो एक साहब से मुलाकात कराई ये साहब सीनियर साइंटिस्ट उन्होंने इस्लाम कबूल किया था मुसलमान हुए थे और बहुत जज्बे के साथ वह एक एक चीज़ पर अमल करते थे जुमे के दिन जुमे के दिन वो अमामा बांध करके नमाज पढ़ने के लिए आए तो वहां जो मुसलमान सीन सीनियर वो जूनियर छोटे छोटे थे वो जूनियर कहने लगा सर ये जो आपने अमामा बांधा ये भी जरूरी नहीं ये जो आपने ये सफेद कपड़े पहने ये भी कोई जरूरी नहीं ये जो आप कह रहे हैं जुमा पढ़ना ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है तो उस मुसलमान ने जो मुसलमान बना था उसने कहा दो बातें कही थी उनने कहा तुम दो बाई चांस मुसलमान हो मैं बाई चॉइस मुसलमान हूं तुम्हें क्या करना है उसके लिए तुम्हें बहाने काफ़ी हैं मुझे क्या करना है मैं अपनी नबी से पूछता हूं मैंने नबी ने जो जो कुछ करने को कहा मैं वो करता रहूंगा मैं तुम मुसलमानों से नहीं पूछूंगा इसलिए कि तुमको तो बेदेवी इस्लाम मिल गया है अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए मह मेरे, मेरे भाइयों ई ईमान कीमती दौलत है इस कीमती दौलत को बचाने के लिए कभी लालच की कुर्बानी देनी होगी कभी की कुर्बानी देनी होगी कभी जॉब की कुर्बानी देनी होगी कभी प्रेशर का मुकाबला करना होगा कभी बड़े साहब से इनकार करना होगा और कभी बड़े की तरफ़ से आएगा आपको ये करना पड़ेगा और वो करना कुफर होगा उस वक्त आपका इम्तिहान होगा कि आप वो करेंगे या उसे अपने आप को बचाएंगे अल्लाह हिफाजत फरमाए उस वक्त से उस वक्त से जो वक्त बहुत ख़तरनाक है ईमान के लिए अल्लाह हिफाजत फरमाए और जा अगर वो वक्त हमारी ज़िंदगी में आ गया तो अल्लाह हमें हिम्मत अदा फरमाए कि हम दुनिया की हर चीज़ को लात मारें मगर अपने ईमान का सौदा न करें واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين مختصر شيء دعاء कर लीजिए دروشاري الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد مبارك وسلم عليهم يا الله يا الله या अल्लाह जुमे का दिन आपके इस घर में हम जमा जुमा पढ़ने के लिए आपको सजदा करने के लिए सुन्नतें पढ़ी हैं सब ने आपको सजदा किया आगे फ़र्ज़ नमाज खड़ी होगी सब हम आपको सजदा करेंगे या अल्लाह फरिश्ते चारों तरफ से खड़े हैं हर इंसान के साथ भी फरिश्ते हैं और मस्जिद में भी चारों तरफ से फरिश्ते हैं हमने देखा नहीं मगर आपने नबी ने कहा है तो हमें यकीन है या अल्लाह जैसे डॉक्टर के कहने पर हमें यकीन है कि बॉडी के अंदर तरह तरह के विटामिन होते हैं कैल्शियम होता है मैग्नीशियम होता है आयरन होता है प्रोटीन और क्या क्या होता है ये सब कुछ हम डॉक्टरों के कहने पर मान लेते हैं इसलिए कि वह एक्सपर्ट होते हैं या अल्लाह या अल्लाह आपके नबी जिस जिन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं याक्रम अक्रम उन्होंने फरमाया जब मुसलमान जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो फरिश्ते चारों तरफ से खड़े होते हैं या अल्लाह यकीन व फ़रिश्ते खड़े होंगे हमें नज़र तो नहीं आ रहे हैं मगर आपके नबी ने फ़रमाया तो सच है तो या अल्ला आप गंवा रहें वह सारे फरिश्ते गंवा रहे हैं या मस्जिद और मस्जिद के तमाम अमला गंवा रहे हैं ये ज़मीन और ज़मीन के तमाम ज़र्रात गंवा रहें ये फिज़ा और फ़िज़ा की सारी लहरें गंवार रहें ये फिज़ा और फ़िज़ा के अंदर पाए जाने वाला ऑक्सीजन के ज़र्रे कार्बन डाईआक्साइड के ज़र्रे सल्फ़र और जो जो कुछ फिज़ा के अंदर गैसों के अंदर होता है वह तमाम गवार रहें यह अला और फ़िज़ा के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो सब आपकी मखलूक वो सारे गवार रहें हमने आप अपना अल्लाह माना और मोहम्मद रसोल्ला को नबी बरहक माना यीन इस्लाम दीन हक है अल्लात हक व कउलो हक ولقاؤك حق ووادك حق والجنه حق والنار حق والنبيون كلهم حق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق حق يا الله والكفر باطل والشرك باطل وما سوى الاسلام كلها باطل 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 رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا या अल्लाह आपने ईमान की दौलत हमें अदा फ़रमाई हम बहुत शुक्रगुजार हैं बहुत ही शुक्रगुजार हैं या अल्लाह वरना यह माथा कहीं कीड़ों मकोड़ों के सामने कहीं जानवरों के सामने कहीं बेजान पत्थरों के सामने झुकता या अल्लाह वो एक सजदा जिसे ग्रह समझता है तू देता है हज़ार सजदों से आदमियों का नजात आपने ईमान की दौलत अदा फरमाई हम आपके बारगाह में शुक्र अदा करते हैं आपने खुद फरमाया इन शक्र तुम नजीद शुक्र करोगे मैं और अता करूँगा या अल्लाह तो हमें ईमान आपने अता किया इस ईमान में पुख्तिया अता कर दीजिए और या जिस वक्त ईमान छिन जाने का मरहला आए या ला हमारी नादानी की वजह से हमारी जुबानों की बेहतियाती की वजह से हमारे ख्याल के बिगड़ने की, की वजह से किसी गलत वेबसाइट विजिट करने की वजह से कोई गलत थ्योरियाँ पढ़ने की वजह से किसी माहौल के दबाव की वजह से किसी प्रेशर की वजह से किसी लालच की वजह से किसी लाइलमी नादानी की वजह से या आखिरकर जिन जिन कामों की वजह से ईमान छिन जाता है या जिन जिन बातों की वजह से ईमान छिन जाता है उन तमाम चीज़ों से हमें बचना ऐसा नसीब फरमा दें जैसे जहर से जैसे आग से जैसे साइनाइड से जैसे कुएँ में गिरने से या अकरमीन रहीम कोई इंसान अपना मुँह शेर के हाथ में नहीं देना चाहेगा कोई इंसान अपना मुँह सांप के मुँह में नहीं अपना हाथ सांप के मुँह में नहीं डालेगा या अल्लाह कोई इंसान अपने हाथ में आग का अंगारा नहीं लेगा या अल्लाह कोई इंसान अपने हाथ से नंगी बिजली तार को नहीं छुएगा या अल्लाह इन तमाम चीज़ों के बारे में जैसे हम महतात हैं ऐसे ही हम अपनी ईमान के बारे में महतात हो जाएं या अल्लाह हमारे नौजवान या अल्लाह जो तरह तरह के ख़तरा के में हैं उनका ईमान उनका अखलाक उनका किरदार उनकी सेहत उनकी अल्लाह उन तमाम की हिफाजत की शक्लें पैदा फरमा या ला या ला जिन चीज़ों से ईमान छिन जाता है उन चीज़ों की मार्फत भी हमें अता फरमा और उनसे बचने की हिम्मत भी अता फरमा या हम में से जिसके जो मसाइल हैं वो मसाइल हल फरमा जिनके जो तकाज़े हैं तकाजे पूरी फरमा जो दुआओं के लिए कहते हैं एक एक मसले को हल फरमा या अल्लाह हम सब की तरफ़ से जनाब रसूल की ख़िदमत में बेशुमार सलाम या अल्लाह आज ही मैंने हदीस पढ़ी अल्लाह के नबी आसम ने फ़रमाया कि अक्सर वालै सलातम्ल जुम्मा जुमे के दिन बहुत ज़्यादा दरूद मुझे भेजना फ़िर ना तो आलै व मेरे सामने पेश किया जाता है या अल्ला या अल्लाह हम सब की तरफ से बेशुमार दरूदो सलाम हम सब की तरफ से बेशुमार बेशुार सलाम आसमान के कतरों बारिश के कतरों से भी ज़्यादा दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा आसमान के सितारों से ज़्यादा जानवरों के जिस्म पर उगने वाले बालों से भी ज़्यादा हमारा सलाम हमारे नबी के बारगाह में पहुँचा दीजिए और ये भी पहुँचा दीजिए हम अहद करते हैं या अल्लाह हम आपके ईमान दीन पर कायम रहेंगे हम आपके दामन को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे मुश्किल हालात भी आएँ तब भी जमे रहेंगे या अकरम अकरमीन अकरमलकर यामी हमारा ये सलाम हमारे नबी तक आप फरिश्तों के ज़रिए पहुँचा दीजिए या आकरमी आरमर राहमी और हमारे नबी ने जितनी दुआएँ अपने लिए तमाम इंसानों के लिए मांगी वो तो सारी दुआएँ एक एक ईमान वाले के हक़ में कबूल फरमा सुबह ना रब्ज़त रब अमा ऐसी फून सलासली